हेलो एवरी वन वेलकम बैक आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू व चैप्टर नंबर थ्री प्लेइंग विद नंबर्स सो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव ऑफ एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री प्रीवियस वीडियोज में हम थ्री पॉइंट थ्री एक्सरसाइज के वन टू फोर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव सो क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट एंड द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय थ्री अब सी इसमें हमें कम करना क्या है हमें दो क्वेश्चन दिए ए एंड बी ठीक है अब इसमें हमें एक ब्लैंक स्पेस दी गई है ठीक है अब इस ब्लैंक स्पेस में हमें एक स्मॉलेस्ट डिजिट रखना है और एक ग्रेटेस्ट डिजिट रखना है इस तरीके से कि जो नंबर बने यहाँ पे वो थ्री से डिविजिबल हो ठीक है तो यहाँ पे हम कोई भी डिजिट नहीं रख सकते हैं, हमें ऐसा डिजिट रखना है कि जो लास्ट में नंबर फॉर्म हो वो थ्री से डिविजिबल हो तो ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पे हम कौन से डिजिट्स डिजिट्स रख सकते हैं सो so हम नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो ठीक है ये टेन डिजिट्स में से हम यहाँ पे कोई भी ऐसा डिजिट रख सकते हैं ठीक है ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा रखना पड़ेगा स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा रखना पड़ेगा इस तरीके से कि वो थ्री से डिविजिबल हो ठीक है अब इसके लिए ऐसी डिजिट हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना होगा ऑफ थ्री ठीक है सो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ थ्री में हम क्या करते थे सारे डिजिट्स को ऐड कर लेते थे और जो फाइनल रिजल्ट आता था अगर वो मल्टीपल ऑफ थ्री इट मीन्स वो नंबर थ्री से डिविजिबल है ठीक है तो हम इसमें भी वही चीज़ करेंगे ठीक है सबसे पहले तो हम ऐड करके देखेंगे तो देखो सब डिजिट्स को ऐड करते हैं तो सिक्स प्लस सेवन प्लस टू प्लस फोर ठीक है क्या नंबर बन रहा है सिक्स प्लस सेवन होता है थर्टीन थर्टीन प्लस टू फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन ठीक है अब नाइनटीन में हम क्या ऐसा नंबर ऐड करें कि जो फाइनल नंबर आए ठीक है वो थ्री से डिविजिबल हो जाए ठीक है तो नाइन्टीन के सबसे करीब थ्री का कौन सा मल्टीपल है ठीक है हम यहाँ पर थ्री के मल्टीपल्स भी लिख लेते हैं तो थ्री के मल्टीपल्स हैं थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन थर्टी ठीक है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, तो नाइन्टीन के सबसे करीब करीब जा रहा है ट्वेंटी वन ठीक है तो अब हम नाइन्टीन के अंदर क्या ऐड करें कि ट्वेंटी वन हो जाए ठीक है तो नाइन्टीन में जब हम टू ऐड कर रहे हैं ठीक है नाइन्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है तो टू ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी वन इज़ अ मल्टीपल ऑफ थ्री ठीक है तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में अगर हम टू लगा देते हैं ठीक है यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे क्योंकि हमें एक ग्रेटेस्ट भी डिजिट रखना है ठीक है तो यहाँ पे अगर हम टू लगा देते हैं ठीक है थीके? तो हमें क्या मिलेगा देखो सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे तो ट्वेंटी वन मिलेगा और ट्वेंटी वन थ्री का मल्टीपल है ठीक है तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या आ गया टू आ गया ठीक है अब हमें एक ऐसा डिजिट ढूंढना है ठीक है जो कि ग्रेटेस्ट हो और जब हम सारे डिजिट्स को ऐड करें तो वो मल्टीपल ऑफ थ्री निकले ठीक है तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यहाँ सिक्स है सेवन टू और फोर इसको हम ऐड कर रहे हैं तो नाइनटीन आ रहा है ठीक है तो नाइन्टीन में हम कैसा नंबर ऐड करें ठीक है कि जो नंबर हमें लास्ट में फाइनली मिले वो क्या हो थ्री uh, का मल्टीपल हो ठीक है तो ग्रेटेस्ट डिजिट में हम कहाँ से रखना शु, शुरू करेंगे तो या तो नाइन रखेंगे या एट रखेंगे या सेवन रखेंगे ठीक है तो अगर हम यहाँ नाइन रखते हैं तो नाइनटीन प्लस नाइन क्या हो जाएगा ट्वेंटी एट हो जाएगा क्या ट्वेंटी एट थ्री का मल्टीपल है नहीं है तो ये थ्री से डिविजिबल ही नहीं होगा मतलब हम यहाँ नाइन नहीं रख सकते हैं. ठीक है नाइन हम यहाँ नहीं रख सकते अब एट रख के ट्राई करते हैं तो नाइन्टीन प्लस एट क्या हो जाएगा ट्वेंटी सेवन ठीक है नाइन्टीन प्लस एट हो जाएगा ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी सेवन इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री ठीक है यानी कि हम ये ब्लैंक स्पेस में ग्रेटेस्ट डिजिट क्या पुट करेंगे हम ग्रेटेस्ट डिजिट पुट करेंगे एट सिक्स सेवन टू फोर ठीक है तो स्मॉलेस्ट डिजिट आया हमारा टू और ग्रेटेस्ट डिजिट आया हमारा एट अब देखते हैं नेक्स्ट वन सो so नेक्स्ट हमें दिया है बी फोर सेवन सिक्स फाइव डैश टू अब यहाँ पे हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर पुट करना है ठीक है कोई भी छोटा सा नंबर ठीक है और पुट करने के बाद क्या होना चाहिए वो नंबर थ्री से डिविजिबल होना चाहिए ठीक है ये पूरा नंबर और एक ग्रेटेस्ट डिजिट पुट करना है ताकि फाइनल रिजल्ट जो हो वो थ्री से डिविजिबल हो ठीक है तो अगेन क्या करेंगे हम सारी डिजिट्स को ऐड करके देख लेंगे ठीक है तो फोर प्लस सेवन प्लस सिक्स प्लस फाइव प्लस टू ठीक है इसका रिजल्ट क्या आ रहा है देखो फोर प्लस सेवन इलेवेन इलेवन प्लस सिक्स सेवेंटीन सेवेंटीन प्लस फाइव क्या होता है ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस टू हो जाता है ट्वेंटी फोर ओके अब ट्वेंटी फोर में हम ऐसा क्या नंबर ठीक है हमें एक डैश दिया हुआ है तो 24 में क्या ऐड करें कि हमें एक मल्टीपल ऑफ थ्री मिले तो देखो अगर हम मल्टीपल्स ऑफ थ्री देखते हैं तो 24 भी एक थ्री का मल्टीपल है ठीक है तो 24 का हम 24 ही रहने देते हैं और यहाँ क्या कर देंगे हम जीरो को ऐड कर देंगे ठीक है स्मॉलेस्ट नंबर जीरो भी तो है हमारे पास ऑप्शन में हम जीरो भी रख सकते हैं ठीक है तो हम क्या रख देंगे यहाँ पर जीरो रख देंगे तो ट्वेंटी फोर प्लस जीरो क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फोर इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री यानी कि जीरो रखने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा वो डिविजिबल बाय थ्री होगा ठीक है तो स्मॉल स्मॉलेस्ट डिजिट हम क्या पुट कर रहे हैं स्मॉलेस्ट डिजिट हम पुट कर रहे है, हैं जीरो ठीक है अब ग्रेटेस्ट डिजिट निकाल दें तो ग्रेटेस्ट डिजिट में हमें यहाँ पे एक नंबर पुट करना होगा ठीक है ताकि फाइनल रिजल्ट जो आए वो एक थ्री का मल्टीपल हो ठीक है नाइन रख के देखते हैं ठीक है ट्वेंटी फोर प्लस नाइन क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर एंड नाइन थर्टीन वन थर्टी थ्री ठीक है क्या थर्टी थ्री थ्री का मल्टीपल है येस थ्री मल्टीप्लाई बाई एलेवन क्या होता है थर्टी थ्री होता है ठीक है सो थर्टी थ्री इज़ अ मल्टीपल ऑफ थ्री यानी कि हम यहाँ ग्रेटेस्ट डिजिट क्या पुट करेंगे नाइन पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा फोर सेवन सिक्स फाइव नाइन एंड टू ठीक है तो स्मॉलेस्ट डिजिट हमने क्या रखा ज़ीरो रखा एंड ग्रेटेस्ट डिजिट हमने क्या रखा नाइन रखा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स सो क्वेश्चन नंबर सिक्स इज राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल डिविजिबल डिविजल बाई इलेवन अब देखो अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में भी हमें दो क्वेश्चन दिए ब्लैंक स्पेस दिए यहाँ पे हमें एक एक डिजिट रखनी है ठीक है ग्रेट स्मॉलेस्ट ऐसा कुछ नहीं कहा है बस हमें एक डिजिट रखना है और वो डिजिट ऐसा होना चाहिए कि वो बाद में जो नंबर फॉर्म हो इट शुड बी डिविजिबल बाई एलेवन ठीक है यानी कि जो एंड रिजल्ट आता है वो इलेवन से डिविजिबल होना चाहिए ठीक है तो ऐसा नंबर हमें ढूंढना है फर्स्ट हम करते हैं ठीक है अब डिविजिबिलिटी ऑफ एलेवन का रूल लगाएंगे हम कैसे फ़ाइंड आउट करते हैं पहले जो भी डिजिट्स इवन प्लेसेस पे दी गई होती है उन्हें ऐड करते हैं जो और प्लेसेस पे डिजिट्स दी गई होती है उन्हें ऐड करते हैं फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं और डिफरेंस क्या होना चाहिए आइदर ज़ीरो और मल्टीपल ऑफ एलेवन ठीक है या तो जीरो होना चाहिए या एलेवन का मल्टीपल होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर फर्स्ट हम लेते हैं फर्स्ट हमें दिया हुआ है नाइन टू डैश ठीक है डैश की जगह हम क्या लगा देते हैं ए लगा देते हैं ठीक है फिर थ्री एट नाइन ठीक है अब ऑड प्लेसेस कौन सी हो गई ऑड से पहले ऑड वाली डिजिट्स को ऐड कर लेंगे ठीक है तो ऑड वाली हो गई नाइन राइट right से शुरू करते हैं ठीक right है राइट से शुरू करना होता है सो नाइन हो गया थ्री टू ठीक है एंड इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हमने भी ऐड करना है सो so वो हो जाएगा एट प्लस ए प्लस नाइन, ठीक है तो अब देखो नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन और यहाँ एट प्लस नाइन हो जाएगा सेवेंटीन प्लस ए ठीक है ए को तो साथ में प्लस नहीं कर सकते तो उसे हमें ऐसे ही लिखना होगा ठीक है फिर एंड रिजल्ट को हम क्या करते थे माइनस कर देते ठीक है अब देखो सेवेंटीन बड़ा है इसलिए बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो ऐसे माइनस करेंगे सेवेंटीन प्लस ए माइनस फोर्टीन ठीक है अब सेवेंटीन माइनस फोर्टीन कितना हो जाएगा सेवनटीन माइनस फोर्टीन हो जाएगा थ्री और ये हो जाएगा प्लस ए अब हमें क्या करना है अब हमने क्या किया था कि जो एंड रिजल्ट होता है ठीक है वो या तो ज़ीरो होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ इलेवन ठीक है जैसे 11 ट्वेंटी टू थर्टी थ्री फोर्टी फोर ऐसे नंबर्स होने चाहिए ठीक है तो अब थ्री प्लस ए क्या होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए या इलेवन या ट्वेंटी टू या थर्टी थ्री तो पहले हम जीरो से ट्राई करेंगे ठीक है ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब देखो थ्री में से कोई भी नंबर को हम क्या ऐड कर सकते हैं कि जीरो ऑ थ्री में किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो क्या ज़ीरो आएगा नहीं आएगा ठीक है तो यहाँ पर हम ज़ीरो नहीं ले सकते हैं. हम पहला मल्टीपल ले, ले लेंगे एलेवन ठीक है अब इसको फाइंड आउट करते हैं ए एज इट इज़ रहेगा थ्री या प्लस में है इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा सो एलेवन माइनस थ्री क्या हो जाएगा एट यानी कि जो मिसिंग वैल्यू है वो क्या है हमारी एट है ठीक है यहाँ पे एट हम लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जो नंबर है वो डिविजिबल बाय एलेवन हो जाएगा ठीक है अब जैसे ये सारा कैलकुलेशन तो हमने किया ही है अब एक बार आप ट्राई करके देख लो ठीक है जैसे यहाँ ए है ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई एट मिल गई ठीक है तो यहाँ एट हमने लगा दिया एट और एट हो गया सिक्सटीन सिक्सटीन और नाइन क्या हो जाएगा सिक्सटीन और नाइन हो जाएगा ट्वेंटी फाइव अब ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टीन करो ठीक है फाइव माइनस फोर वन टू माइनस वन वन इलेवन आ गया एलेवन इज अ मल्टीपल ऑफ इलेवन इलेवन वन जिलेन ठीक है यानी कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय एलेवन ठीक है सो so हमारा आंसर करेक्ट है अब हम देखते हैं बी बी स्टार्ट करते हैं बी में हमें दिया हुआ है एट ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे हम ए ले लेंगे ठीक है अगर ए नहीं लेना है तो आप एक्स ले लो ठीक है फिर फोर नाइन फोर एट फोर ठीक है पहले ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उन्हें ऐड करेंगे फिर इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उन्हें ऐड करेंगे तो ऑड प्लेसेस पे लेते हैं वन फोर देन अगेन फोर देन एक्स ठीक है इन्हें ऐड करना होगा देन इवन प्लेसेस वाली डिजिट्स को ऐड करेंगे एट देन नाइन एंड देन एट ओके अब ऐड करते हैं फोर प्लस फोर एट एट प्लस एक्सेस एट x then नाइन uh, sorry ऐट and एट सिक्सटीन हो जाएगा ठीक है और सिक्सटीन और नाइन क्या हो जाएगा नाइन प्लस सिक्स फाइव वन टू ओके ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ठीक अब हमने एडिशन फाइंड आउट कर लिया सम फाइंड आउट कर लिया अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे ठीक है डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं ठीक है ट्वेंटी फ़ाइव में से हम माइनस करेंगे एट प्लस एक्स को ठीक है तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे अब आगे सॉल्व करेंगे तो ट्वेंटी फाइव माइनस अब ये ब्रैकेट में से हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एट हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ एक्स हो जाएगा ठीक है अब ट्वेंटी फाइव माइनस एट क्या होगा ट्वेंटी फाइव में से एट को माइनस करो तो यहाँ वन हो जाएगा यहाँ फिफ्टीन हो जाएगा फिफ्टीन माइनस एट हो जाएगा सेवन और इधर हो जाएगा वन सो सेवेंटीन माइनस एक्स ठीक है अब देखो डिफरेंस का रिजल्ट क्या आना चाहिए या तो जीरो आना चाहिए या फिर मल्टीपल्स ऑफ एलेवन ठीक है ऐसे होना चाहिए तो अब सेवेंटीन में से हम किस नंबर को माइनस करें कि हमें ज़ीरो मिल जाए ठीक है तो सेवनटीन में से सेवेंटीन को ही माइनस करेंगे तो ज़ीरो आएगा लेकिन क्या हम टू डिजिट नंबर यहाँ रख सकते हैं नहीं हमें एक ही डिजिट रखना है सिंगल डिजिट रखना है तो हम यहाँ ज़ीरो नहीं ले सकते यहाँ सेवेंटीन नहीं ले सकते ठीक है तो क्या करेंगे एलेवन ट्राई करेंगे ठीक है अब क्या करें इलेवन में सेवेंटीन में से किस माइनस करें कि हमें एलेवन मिल जाए ठीक है तो सेवेंटीन में से अगर हम सिक्स माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है एलेवन सो so, हमारा आंसर क्या हो गया सिक्स तो यहाँ पे हम लगा देंगे सिक्स ठीक है सो हमारा आंसर हो गया सिक्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स होता है खत्म और यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री भी होता है खत्म इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेरी और सजेशन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर टिल बाय बाय टेक केयर